वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे वॉल्यूम का पार्ट थ्री, जिसमें हमने पार्ट टू तक देखे थे, नाइन्थ तक का क्वेश्चन। आज दसवां क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। दसवां देखो, पढ़ो एक बार क्या बोल रहा है। कि देखो, आठ मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 23 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर चौड़ी दीवार बनाने में 24 बाई 11.5 बाई 8 आठ माप वाली कितने ईंटें लगेगी, जबकि सारी दीवार के आयतन का 5% जो है चुना हो। देखो, हमको क्या क्या दिया है, दीवार की माप, ठीक है। ये दीवार है, इसकी माप क्या दी गई है, 8, 6 और 23 सेंटीमीटर, ठीक है। 8, 6 ये 8 हाँ, और ये 6 और ये 23 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है। और ये सब क्या है, मीटर है, ठीक है। इसको सबको कन्वर्ट कर लेंगे। पहले इसको देखते हैं, ईंट को क्या साइज दिया गया है, फिर ईंट देखते हैं, ठीक है। ईंट का साइज दिया गया आपका 24, 11.5 और 8। तो देखो, यहाँ पे हमारा जो है ईंट, जो भी दीवार बनता है कैसे बनता है, ईंट से मिलकर बनता है, ठीक है। कोई भी दीवार होता है ईंट से मिलकर बनता है, जैसे दीवार है तो ईंट से भी मिलकर बना है। और इसके बीच बीच में क्या रहता है, सीमेंट, ठीक है। यहाँ पे चूना बोल दिया है, लेकिन अगर सीमेंट ऑप्शन आता है, सीमेंट भी बोल सकता है ना, रेत भी बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, मतलब एक मटेरियल की बात कर रही है, ठीक है। तो जितने भी ईंट हैं सबके बीच बीच में क्या लगा रहता है, ठीक है, मटेरियल। तो वो मटेरियल है, मान के चलो चूना है, तो यहाँ पे चूना बोल रहा है तो हम चूना लेंगे। तो ये देखो, टोटली जो दीवार है क्या क्या चीज़ से मिलके बना, ईंट और चूना से मिलके, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है दीवार का 5% क्या है, चूना है। तो बाकी कितना है, ईंट है, माने 95% क्या है, ईंट है, ठीक है, 95% ईंट। तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम होगा ईंट का, ठीक है, टोटल वॉल्यूम जो ईंट का होगा वो है 95% ऑफ पूरा दीवार का, ठीक है। देखो, अब मतलब दीवार का जो वॉल्यूम है, ठीक है, इनटू 95%, ठीक है, 95% मतलब 90 बाई 100, ठीक है। दीवार का जो है 95% जो है वो हमारा क्या है, एन ईंट है, मतलब एन इनटू वॉल्यूम ऑफ ईंट, ठीक है। छोटा भी ले लेते हैं इसका वॉल्यूम, ठीक है, बड़ा भी दीवार का वॉल्यूम, छोटा भी अपना ईंट का वॉल्यूम, ठीक है। माने एन एन सारे ईंट, मतलब एन ईंट मतलब 5, 10, 20 जितना भी लगे, 100 है ना, तो जितने भी ईंट हैं सब मिलके क्या बनाएंगे, एक दीवार बनाएंगे। तो दीवार का 5% तो फालतू चूना में वेस्ट गए, तो बाकी जो है 95% क्या है, वो ईंट है। तो ये 95% ऑफ दीवार, तो एन ईंट लगेगा। तो ऐसे इक्वेशन पहले सेट करते हैं, उसके बाद हम वॉल्यूम के यहाँ पुट कर देते हैं दोनों को वॉल्यूम, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एन ईट, एन नंबर ऑफ ईट है, ठीक है। तो एन हमारा नंबर ऑफ ईट, ठीक है, नंबर ऑफ ब्रिक, तो ब्रिक मतलब ईट है ना, तो नंबर ऑफ ब्रिक पता चल जाएगा हमको, ठीक है। देखो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम तीनों गुणा कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 8 है 6, देखो यहाँ पे मीटर मीटर है, वहाँ पे सेंटीमीटर है, ठीक है। तो या तो सेंटीमीटर में ही लो सबको, या तो फिर मीटर में ही लो, ठीक है, क्या लेना है आपकी मर्जी है। तो एक काम करते हैं, सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं। तो इधर का देखें, सेंटीमीटर में है, तो एन इंटू 24 गुणा 11.5 गुणा 8, ठीक है। यहाँ पे क्या है, मीटर में है, ठीक है, 8 ये 8 क्या है, मीटर में है। तो इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर के लिए 800 हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये 6 भी मीटर में है, तो 6 क्या हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये 23 तो सेंटीमीटर में ही है पहले से, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 800 × 600 × 23 और 95 बाई 100, बस। और आपको कुछ नहीं करना है, सीधा कैलकुलेट करना है, एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब एन का वैल्यू निकालने के लिए आप ये सबको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 0 0 है, 2 0 2 0 पहले काट दो चुपचाप, हाँ। अब सीधा लिख दो पहले, है ना, 8 है 800 लिखने के बजाय 8 × 6 है ना, 100 को अलग लिख लेता हूँ, 100, और ये हो गया 23 और ये 95, और ये क्या हो जाएगा,
24 क्या है, नीचे आ जाएगा 24 11.5। ठीक है, 11.5 जो है उसको ऐसा लिख सकते हैं 115/10। ठीक है, 115/10, दशमलव हटालेंगे तो 10 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये 8 नीचे चला, नीचे चला आएगा। ठीक है, तो देखो कुछ कुछ कटेगा, ये देखो ये 8 8 कट गया, और कुछ कटेगा 5 से कटा सकते हैं, 24 को देखो 6 से कटा सकते हो, 6 चौक 24। ठीक है, अब 4 बचा, 4 से देखो ये कट जाएगा 25 बार में, 4 25 100। ठीक, और यहाँ पे देखो 23 से शायद 115 जाता है। ठीक है, तो 23 5 115 होता है, तो 23 5 115, 5 से कटेगा 95, या 10 10 ही कटा लो, 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक, अब देखो हमारे पास बचा क्या, 25 95 और 2, तो क्या हो जाएगा, देखो 25 दूनी 50 होता है, तो 50 गुणा 95। अब देखो 95 को 50 से गुणा कर लो, 0 है ना, 5 25 और 2 हासिल, और 9 दूनी 9 5 45 और 2 47, तो इतना वाली इतना ईंट हमारा लगेगा। ठीक है, तो 4750 ईंट हमारा आंसर होगा, देख सकते हो आंसर, ये आंसर ए 4750। ठीक, अब देखो 11 का क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी देखो 11वां जो क्वेश्चन है वो तो एकदम बच्चा क्वेश्चन है, इसमें आपको ईंट का माप दे दिया गया है, आपको पूछा जा रहा है संपूर्ण पिष्ट का क्षेत्रफल, तो ये तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, घनाभ के संपूर्ण पिष्ट का क्षेत्रफल आपको फार्मूला याद है, 2ab + bc + ca, तो ऐसे निकाल लोगे आप, है ना। अब देखो 12वां देखते हैं, 12वां कुछ खास है, देखो 12वां दिया गया है कि लकड़ी का एक आयताकार बक्सा है, आयताकार माप वाला, तो एक बक्सा है, तो यदि उसकी मोटाई दी गई है और ये माप दी गई है, तो उसमें कितना लकड़ी लगेगा बनाने के लिए। ठीक है, लकड़ी का एक बक्सा है, अब देखो बक्सा होता है लकड़ी का, तो क्या होता है, थोड़ा कुछ मोटाई में रहता है। ठीक है, कुछ मोटाई लिए रहता है, तो वो क्या बोल रहा है, ये देखो 20 12 और 10। ठीक है, तो ये क्या है, बाहरी माप है ये। ठीक है, बाहरी माप है, मतलब ये 20 12 10 जो है, ये 20 है और 12 है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये जो है, इसमें कोई आपको चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको अगर एक बार इमेजिनेशन आपका अच्छा स्ट्रांग हो जाएगा तो आपका फिर आसानी से फिर आप बना सकते हो इसको, बिना चित्र बनाए आप इसको बना सकते हो, चित्र बनाने में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना होगा। अब देखो इसकी मोटाई जो है, मतलब ये गैप, ठीक है ये गैप है ना, ये गैप, ये सब बराबर रहेगा, तो यही जो मोटाई है वो कितना दी गई, वो दिया गया है आपको 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है, तो देखो अगर इसमें बोल रहा है लकड़ी, तो लकड़ी लकड़ी का आयतन क्या होगा, तो देखो अंदर जो है खाली स्पेस है, और बाहर क्या है, 1 सेंटीमीटर मोटाई में क्या लिया हुआ है, लकड़ी लकड़ी है, लेकिन अंदर क्या है, खाली स्पेस है, तो एक काम करते हैं, जो सबसे बड़े मतलब बड़ा वाला जो घनाभ है उसमें छोटा वाले घनाभ का आयतन को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो लकड़ी वाला भाग है वो हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बिगर वॉल्यूम से इस मतलब आउटर वॉल्यूम और इनर वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम आउटर वॉल्यूम में इनर वॉल्यूम को घटा देते हैं। ठीक, तो देखो आउटर वॉल्यूम क्या होगा, आउटर वॉल्यूम क्या है, 20 12 और 10, तो 20 गुणा 12 गुणा 10, ऐसे ही होता है घनाभ का आयतन ए बी सी। और देखो घटाएंगे किस, घटाएंगे क्या इसमें, इसमें देखो इनर वाला मतलब अंदर वाला, तो देखो अंदर वाला माप क्या होगा, देखो ये 20 है, तो देखो लकड़ी मोटाई क्या है, इधर भी मोटा क्या है एक है, इधर भी क्या है मोटा एक है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 घटाना पड़ेगा आपको, दोनों साइड से एक एक घटाना पड़ेगा, मतलब 2 घटाना, 20 में 2 घटाएंगे तो 18, तो वैसे ही 12 में 2 घटाएंगे तो 10, और 10 में 2 घटाएंगे तो 8। ठीक है, मतलब इसमें दो दो घटता है, अगर एक है तो यहाँ पे आधा रहता, मान के चलो आधा सेंटीमीटर रहता तो हम एक एक घटाते। ठीक है, तो दो तीनों में दो दो घटा दो, अब माइनस कर दो, अब देखो गुणा कर लो,
या शॉर्टकट करना है तो कुछ कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। कॉमन निकालना चाहे 10 को निकाल लो चुपचाप, अभी बाकी तो कर दो, ठीक है। 12 दूनी 24 2 40 माइनस 18 8, ठीक है। 18 8 कितना होता है? 18 8 144 शायद, ठीक है। मुझे भी ज़्यादा पहाड़ा याद नहीं है, बट 144 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो 240 में 144 घटा दो तो कितना, देखो 240 में 140 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका? 100, और 4 घटाओगे तो 96, तो 96 गुणा 10 960, 960 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। सेंटीमीटर में सबका तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा आंसर, ठीक है। तो देखो 960 आया है आंसर बी। 13वां देखें, अब देखो 13वां क्या बोल रहा है। एक घनाभाकार संदूक के 3 फलक है दिए गए हैं, तो इसका आयतन क्या होगा? ठीक है, ये भी निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एक संदूक है उसका, ठीक है, क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तीन 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 प्रकार का पृष्ठ होता है घनाभ में, ठीक है। एक तो पृष्ठ है 120 वाला, ठीक है, और ये बगल वाला जो पृष्ठ है उसका कितना दिया गया है? 72, ठीक है। 72 या ये नीचे वाला 72 होना चाहिए, कोई भी ले सकते हो आपकी मर्जी, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पृष्ठ है, नीचे वाला, उसको क्या बोल दिया? 60 मान के चलो, ठीक है। 3 प्रकार का पृष्ठ दिया गया, तो आपको बोला जा रहा है संदूक का आयतन कितना होगा। तो आयतन के लिए क्या होता है हमारा फार्मूला? ए बी सी, ठीक है। हमारी हमको भुजा भुजा अगर ज्ञात रहेगा तो हम इसका आयतन निकाल पाएंगे, ठीक है। तो देखो हमको भुजा मालूम नहीं है, भुजा निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फलक क्या होता है, मतलब ये आपको दिया गया है, मान के चलो ये है ना ए बी सी है, ए बी सी है, तो आपको क्या दिया गया है, ठीक है। आपको दिया गया है ए बी दिया गया है, बी सी दिया गया है, सी ए दिया गया है, लेकिन ये नहीं मालूम कि ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। चलो ठीक है, ये 120 दिया गया है और 72 दिया गया है, 60 दिया गया है। तो इन तीनों को ऐसा तोड़ो, ठीक है, कि ये जो है ए बी, यहाँ पे बी मतलब एक कॉमन मिले, ठीक है। इन दोनों में जो कॉमन मिले और इन दोनों में सी कॉमन मिले, ठीक है। तो इन दोनों में बी कॉमन है तो एक वस्तु कॉमन मिल, मान के चलो मैं 12 मानता हूँ, तो 12 दहम 110 और 12 छक्के 72, ठीक है। तो 12 दहम, तो मेरे को यहाँ पे 12 कॉमन दिख रहा है, 12 छक्के 72, ठीक। अब देखो यहाँ पे तोड़ता हूँ मैं इसको, 60 को ऐसा तोड़ो कि यहाँ पे सी कॉमन दिखे। देखो सी कॉमन दिख रहा है, मतलब सी क्या है? 6 6 गुणा 10, ऐसा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे दिख गया, अब देखो 12 गुणा 10, 12 गुणा 6 और 6 गुणा 10, मैं 3 प्रकार का आइटम दिख रहा है, ठीक है। एक आइटम क्या है? 12 है। दूसरा आइटम क्या है? 10 है, मैंने ए बी, और तीसरा आइटम क्या है? सी, ठीक है। 3 प्रकार का ही आइटम दिखना चाहिए, मतलब ए बी और सी ही दिखना चाहिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर सही होगा। तो ए बी सी मिल गया हमको 12 10 और 6। तो ए बी सी मतलब क्या है? वॉल्यूम होता है ए बी सी हमारा, कोई भी घनाभ का। तो क्या हो जाएगा? 12 10 और 6, तो 12 दहम, ठीक है, 12 छक्के 72 और 720 हो जाएगा, 720 आंसर होगा, ये आंसर होगा 13 का, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है, तो हम एक कोशिश करते हैं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है उसको करते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो उसको भी करते हैं, ठीक है। तो 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि 6 मीटर, इसमें बोलो क्या बोल रहा है। देखो 6 मीटर लंबी 4 मीटर चौड़ी और 4 मीटर चौड़ी आयताकार टंकी में 1 मीटर 25 सेंटीमीटर गहराई तक का पानी भरा हुआ है, तो गीली सतह का क्षेत्रफल निकालना है आपको, ठीक है। 16, ठीक है, 6 और 4, ठीक है, ये क्या है? 6 और ये क्या है 4, ठीक है। और आपका दिया गया है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक मीटर और 25 सेंटीमीटर मतलब यहाँ तक का मान के चलो,
ठीक, तो ये क्या है यहाँ तक का, 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर, मतलब ये सब मीटर में दिया है ना, तो 1.25 मैं इसको ले सकता हूँ। ठीक है, ये सब क्या है, मीटर में दिया गया है, तो इसको ले लिया मैं, 1.25 मीटर तक का यहाँ पे पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो इस गीली सतह का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, निकाल लेंगे। तो गीली सतह कितनी है, देखो ये सबसे वाला नीचे वाला सरफेस पूरा गीला है, तो नीचे वाला सरफेस क्या है, 6 × 24 है। ठीक है, ये वाला सरफेस, तो मैं इसको अलग से मैं काट के डिज़ाइन बना सकता हूँ। देखो कितने प्रकार के आपके इसमें सरफेस हैं वो देखना पड़ेगा। गीला सतह कितना है, देखो नीचे एक गीला सतह हुआ, ये नीचे वाला सरफेस, ठीक है, ये नीचे वाला पूरा गीला है। ठीक है, इससे उठा हुआ है। ठीक है, इससे उठा दो प्रकार का सरफेस यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये जो सरफेस होगा हमारा, देखो ये दो सरफेस हुआ, दो टाइप का सरफेस, मतलब एक टाइप का सरफेस दोनों, और इधर में एक टाइप का सरफेस। ठीक है, इधर में एक टाइप का, मतलब हमारे पास टोटल 5 प्रकार का सरफेस है जो गीला हुआ है, गीला है। ठीक है, 5 प्रकार का सरफेस है, उसमें जो एक टाइप का मान के चलो ये है, दूसरा टाइप का क्या है, ये है, तीसरा टाइप का क्या है, ये है, और ये देखो एक टाइप का जो है ये अकेला है, दूसरा टाइप का क्या है, दो ठो है, तो दो से गुणा करेंगे, और तीसरा टाइप का क्या है, दो ठो है आमने सामने, दो से उसको भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्षेत्रफल, टोटल सरफेस, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक ठो प्लस दो गुना दूसरा टाइप का, और दो गुना तीसरा टाइप का। तो देखो पहला टाइप वाला का क्षेत्रफल कितना, देखो 6, इसका चौड़ाई है 6 और 4 लंबाई चौड़ाई है, तो 6 × 4। ठीक है, दूसरा टाइप का ये 2 गुना है, तो दूसरा टाइप में कैसा है, देखो यहाँ पर 1.25 तक का भरा हुआ है, और ये क्या है, 6 है। ठीक है, तो 1.25 × 6, ठीक है। अब देखो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, ये कितना है, देखो यहाँ पे ये है 4 और ये है 1.25, तो तीसरा टाइप में क्या है, 2 × 1.25 × 4। अब देखो ये 6 × 24 हुआ, अब देखो ये कितना हुआ, 1.25 से 6 का गुणा कैसे करेंगे, देखो 6 का गुणा 6 × 6 और 25 पैसे गुणा 6 बार करो, तो कितना हो जाएगा, 1.5 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 25 पैसा, 6 ठो 25 पैसे जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 25 पैसे का 1 रुपये, और 6 2 ठो, और मतलब ठीक है, तो 1.5 रुपये हो जाएगा। तो देखो ऐसी गिनते हैं, तो 6 और ये क्या हो जाएगा, 1.5 रुपये, तो 7.5 रुपये हुआ, तो 2 × 2 × 7.5 रुपये। ठीक है, इसको बाद में कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो 1.25 × 4, ये हुआ 4 रुपये, 4 का 1 से गुणा हुआ, और 25 पैसे का 4 ठो करें तो 1 रुपये हुआ, तो देखो 4 × 1 = 5, तो 5। अब देखो ये हो जाएगा 24, 7.5 × 2, 7 × 2 = 14, 15 हुआ, और ये 5 × 2 = 10, तो 24, 15 और 10 को जोड़ेंगे कितना होगा, 20, 30, 40, 40 और 49, ये 49 हो जाएगा। ठीक है, आंसर 49 सेंटीमीटर² आएगा आंसर इसका, देख लेंगे, ये 49 आया है, ए ऑप्शन। ठीक है, और अब अगले वीडियो पे देखेंगे बाकी के क्वेश्चन। तो हमारे चैनल से लगातार अपडेट रहने के लिए मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।